हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़े ग्रुप से रिलेटेड एक जुड़ा हुआ उनका छोटा शेयर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं एंड उनकी अलग अलग कंपनियाँ भी है। कुछ ग्रुप ऐसे है कि वहाँ पर कोई भी रेपुटेशन नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ADAG अनिल अंबानी जी की से रिलेटेड जितनी भी अगर आप कंपनीज देखोगे तो सारे कर्जे में डूबी हुई है कंपनी। ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक अगर आप देखोगे तो वो ख़त्म हो चुका है। बट कुछ ग्रुप्स ऐसे भी है कि जिनके सारे के सारे स्टॉक अगर आप देखोगे तो वो पूरे मार्केट में धूम मचा रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले, आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रेप्यूटेड ग्रुप्स है। फॉर एन एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे, मतलब अनिल अंबानी जी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा हूं। उनके अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। अगर और एक बात करी ग्रुप की तो टाटा ग्रुप्स के भी बहुत सारे अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स देखें हम लोग तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे। एक ग्रुप तो है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है जिसका नाम है बजाज ग्रुप के। अगर हम लोग कंपनी के शेयर्स देखें, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, तो बहुत ही ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दे रहे। तो एक और एक ऐसा ग्रुप है जिनके अगर हम लोग सारे शेयर्स देखेंगे ना दोस्तों, तो वो सारे कंपनियाँ प्रॉफिट में है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म दे रहे। एंड जितने भी सेक्टर में वो है, जो भी परफॉर्मेंस दे रहे, वो हर एक सेक्टर में बहुत ही अच्छा लीडिंग का काम कर रही है। एंड वो ग्रुप का नाम है HDFC। हाँ दोस्तों, HDFC से अगर हम लोग देखते तो 4 से 5 शेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आज HDFC ग्रुप से रिलेटेड एक ज़बरदस्त शेयर हम लोग देखेंगे। एंड इसकी खासियत है कि ये शेयर का जो प्राइस है एज कंपेरेटिवली जो इनके जो शेयर्स है उससे हम लोगों को बहुत ही कम भी नज़र आएंगे। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अगर चाहते हो तो इस शेयर को भी स्टडी करने के बाद आप इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर शेयर के ऊपर आने से पहले, मतलब वो जो शेयर से रिलेटेड बात करने से पहले, मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ HDFC ग्रुप के जो डिफरेंट शेयर्स हैं उनके ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने जो ओपन किया HDFC बैंक, बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है अपने ही सेक्टर का रैंक वन है, इंडिया की रैंक वन बैंक है, NSE के टॉप 5 में भी आने वाली एक में वह बैंक है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एंड जो एक बड़ा ग्रुप है HDFC, इनका टेम्पररी में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया रहेगा तो आप देख सकते हो। 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, 5 साल का रिटर्न देख लीजिए, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आप लोगों को हमेशा अप ट्रेंड नज़र आएगा। सो ये खासियत है HDFC ग्रुप एंड उनके शेयर्स की कि अगर आप इसमें 1 साल 5 साल या फिर जितना हो सके उसके अबाव होल्ड करते हो तो ये आपको कंपनी ज़रूर 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 रिटर्न कमा के दे देगी। तो सबसे पहली थी कि HDFC बैंक से रिलेटेड। तो चलिए और एक कंपनी की बात कर लेते हैं HDFC से ही रिलेटेड एंड जिसका नाम है HDFC ही। तो NBFC सेक्टर से जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है। सिमिलरली टेम्पररी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, मामूली सा रिटर्न है, बट 5 साल का रिटर्न देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टेम्पररी इश्यूज हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए HDFC भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। सो HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, एंड ये दोनों कंपनी NSE के टॉप 5 में आती है। तो आप समझ सकते हो कि ये ग्रुप कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एकमेव ऐसा ग्रुप है जिसकी जो कंपनीज है उनमें से 2 कंपनियां NSE के टॉप 5 में आती है। तो चलिए और एक इसके जो शेयर है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते, कंपनी उससे रिलेटेड बात कर लेते, एंड उसका नाम है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब HDFC AMC। अगर हम लोग इसका भी डेटा देख ले, 5 दिन का अगर आप देख सकते हो, 1 महीने का देख सकते हो, 1 साल का देख लोगे एंड 5 साल का देख लोगे। एग्जैक्टली 5 साल का आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी 2018 में ही आ चुकी थी, आप देख सकते हो लिस्ट हो चुकी थी। सो 2018 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी एंड बहुत सारे लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की थी। एंड जो गिरावट आ चुकी थी, ये शेयर हम लोगों को 1200 के 1300 रेंज में अवेलेबल हो रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो 1200 के 1300 रेंज में ये आ चुका था, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। बट यही खासियत होती है कि HDFC जैसा इतना ज़बरदस्त ग्रुप, अगर उसके अगर हम लोगों को शेयर अगर इतने नीचे लेवल पे मिलते तो वो डरने की बात होती नहीं, एंड रिटेल निवेशक यही मार खा जाता है कि वो वहाँ से एग्जिट कर लेता है। एंड आज अगर आप देखोगे तो 1200 का वही शेयर 1200-1300 पे चलने वाला आप लोगों को 2700-3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेम्पररी गिरावट हो सकती है HDFC ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका नज़रिया रहेगा तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देके चले जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद कंपनी ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। एंड आपके सामने हिस्ट्री क्रिएट करके रखिए, क्योंकि इस कंपनी का शेयर अभी अपने 52 हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। तो ये सारे कंपनीज अगर हम लोग देख लिए HDFC से रिलेटेड, जितनी भी थी, HDFC थी, HDFC बैंक थी, HDFC AMC थी, एंड और एक कंपनी HDFC से रिलेटेड जो हमारे स्टॉक मार्केट में है, तो उसके ऊपर अभी हम लोगों को आना है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम लोग HDFC क्लिक कर लेते तो आपके सामने बहुत सारे HDFC की कंपनीज सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो HDFC से मैंने बात की है, उसके बाद HDFC बैंक से भी मैंने आपको बात बताई थी। सो HDFC म्यूचुअल फंड, ये
फिलहाल तो कट कर लेते हैं, हम लोग पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, HDFC AMC जिससे रिलेटेड भी मैंने बात की, उसके बाद म्यूचुअल फंड है उसको भी कट कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड इसी कंपनी के शेयर के ऊपर अभी हम लोग आने वाले, एंड इसकी खासियत बात यह है दोस्तों कि ये HDFC ग्रुप का शेयर है, एंड उसका प्राइस बैंड अगर आप देखोगे तो 575 इतने कम दाम में अभी आप लोगों को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे एज कंपेरेटिवली अभी जो अर्लियर 3 शेयर थे उनके प्राइस बैंड देख सकते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 2,500 इतने हाई लेवल पे, बट HDFC लाइफ का अगर हम लोग प्राइस देखते तो 575 के इस पे आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जाके खरीदो, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त ग्रुप जिनके 2 शेयर आपको NSE के टॉप 5 में देखने को मिलते हैं, एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी अभी आप लोगों को रिटर्न्स बताया कैसे परफॉर्मेंस देता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी आगे फ्यूचर में आप लोगों को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके जा सकती है, क्योंकि ये भी शेयर हम कह सकते हैं कि हाल ही लिस्ट हुआ है। तो चलिए आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, 5 दिन पहले का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं डाउन है, बट एक मंथ पहले का चार्ट पैटर्न में यहां पे आप देख सकते हैं 530 पे ये शेयर आपको मिलता था, एक साल पहले अगर आप देखते तो इसमें 361 पे ये शेयर अवेलेबल था, 5 ईयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 344 पे ये शेयर अवेलेबल था, एंड ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये शेयर 2017 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। सो फिलहाल आप देख सकते हैं 2017 की बात करें एंड 2019 मतलब 2 साल में कंपनी ने आप लोग देख सकते कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, एंड अगर हम लोग लाइन भी ड्रॉ करें तो आप यहाँ पे समझ सकते कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई एंड 52 हाई पे ही चल रही है। सो एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों आप लोगों को कि HDFC ग्रुप से रिलेटेड इतनी अच्छी कंपनी आप लोगों को इतने कम प्राइस बैंड में मिल रही है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने क्रिएट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका डिटेलिंग देख लेते तो आप लोगों के सामने और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल HDFC आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे मैंने ओपन किया है, अगर हम लोग देखें कि तो प्रीवियस जो परफॉर्मेंस था 575 पे था, प्रीवियस क्लोज अगर हम लोग बात करें तो 584.45 पे दिया था, ओपन जो हुआ था 584.50 पे हुआ था, हाई जो इसने बनाया था 584.50 का ही बनाया था, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो चुका था, एंड लो की बात करें तो 572.05 पे था, एंड क्लोजिंग 575.45 का था। अगर हम लोग 52 वीक हाई के ऊपर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते तो आप लोगों को परफॉर्मेंस का थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। सबसे पहले 52 वीक लो आप देख सकते हैं 344 का है, एंड 52 वीक हाई आप देख सकते हो जो कि 30 सितंबर हाल ही में इसने बनाया था जो है 609 का, 609 का 52 वीक हाई है, 600 के आसपास ही है, एंड 575 पे अभी ये शेयर चल रहा है, तो फिलहाल हम लोग यही कह सकते हैं कि कंपनी अपने 52 वीक हाई के ही करीब है। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग 7th अक्टूबर की डिलीवरी पोजीशन से रिलेटेड अगर हम लोग डेटा देख लेते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 लैक्स की अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जहाँ पे हम लोगों को 50% से भी ज़्यादा मतलब 16 लैक्स से भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 17 लैक्स क्वांटिटीज की डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है, पोजीशन बनती हुई जो कि है कुल मिला के 52.19%, जो कि एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। तो चलिए कंपनी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते, जहाँ पे आप देख सकते प्रमोटर्स से रिलेटेड कि 70% से ज़्यादा 75 अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज जो प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड थोड़ा सा हम लोग नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्रमोटर्स के प्लेजिंग से रिलेटेड भी डिटेल देखने को मिलेगी, तो प्रमोटर्स के कितने शेयर गिरवी रखे हुए तो आप यहाँ पे देख सकते प्रमोटर्स का कोई भी शेयर गिरवी के फंडिंग नहीं उठाई गई है, तो आपका पोजीशन भी हम कह सकते हैं कि सेफ है। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, ज्यादा कोई आप लोगों को दिखाएगा नहीं डिटेल्स, क्योंकि 2016 में कुछ नहीं था, 2017 में कंपनी ने एक बार डिविडेंड दिया था, 2019 में उसके बाद डिविडेंड दिया था। सो अभी कंपनी आई हुई है एंड एक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल रीजन NSE के ऑफिशियल वेबसाइट का ये हमेशा ही होता है, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ओपन नहीं हो रही, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग मनी कंट्रोल जो अदर वेबसाइट है उनका हेल्प ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे, आप लोग नाम पढ़ सकते हो, ओपन कर लेता हूँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, शुरुआत में आप लोगों को बताना चाहता हूँ रुपीज़ इन करोड़ से बहुत बड़े फिगर्स रहते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेल्स का टर्नओवर कितना है, तो अर्लियर जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे हम लोग को 1200 के ऊपर सेल्स का टर्नओवर था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये 1600 के भी ऊपर हो चुका था, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग डायरेक्टली नीचे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो NPBT की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा ओपन है, उसके बाद टैक्स पे करने के बाद जो फाइनल जो प्रॉफिट आता है वो आपके सामने ओपन किया है, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 1100 के आसपास रुपीज़ इन करोड़, एंड अगर हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो ये 1276 आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा है। अगर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करता तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे भी नज़र डाल सकते हैं, जो 5.51 का था, जो कि नेक्स्ट मतलब दिस
फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को 6.33 देखने को मिल रहा है। सो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, इतनी शॉर्टर पीरियड ऑफ अपने टाइम में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। तो चलिए कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेब्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, जो कि सही रिक्वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं एंड डायरेक्टली हम लोग जाएंगे कर्जे के सेक्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर सिक्योर्ड लोन कितना है। पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है। अगर अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है। सो ओवरऑल डेब्ट कंपनी के ऊपर एंटायरली जीरो है, तो कंपनी कर्ज मुक्त है। सो HDFC ग्रुप की कंपनी है, सो एज सच कोई कर्ज वाली टेंशन वाली बात हो नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है एंड इसीलिए तो कंपनी के सारे जो ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिटेल्स मैंने आपके सामने ओपन किए। बहुत सारे सोर्स के हिसाब से ऐसे भी बातें आ रही कि HDFC से रिलेटेड और एक शेयर्स स्टॉक मार्केट में आने वाला है, उसका IPO आने वाला है। तो जब वो आएगा उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तक बहुत सारी चीज़ें बातों में ही है, तो ये डेफिनेटली आगे फ्यूचर में आ सकता है एंड वो कोई बताने वाली बात नहीं रहेगी कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग IPO के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि HDFC ग्रुप के ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है। क्योंकि चारों के चारों शेयर अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो वो अपने 52-week हाई पे ही चल रहे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड मैंने जो डिटेल्स आप लोगों को बताई है, ये मेरे अकॉर्डिंगली अपने स्टडीज़ एंड रिसर्च के हिसाब से बताई है। मैं आप लोगों को कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जाके शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को यही सिखाते आ रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने खुद की स्टडी करनी चाहिए, खुद का रिसर्च करनी चाहिए, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उसके साथ ज़रूर एक बार डिस्कस करने के बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए कि ये शेयर आप लोगों ने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। सो फिलहाल आई होप अच्छा करो तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड अगर इस चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो आशा करता हूँ दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।